नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टैक्स शिक्षक में। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम वी लुकअप कैसे लगा सकते हैं गूगल स्प्रेडशीट में। तो ये दो गूगल स्प्रेडशीट मेरे स्क्रीन पे खुली हुई हैं, एक ये फाइल वन और एक फाइल टू। तो फाइल वन में जो डाटा है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ प्रीफिल्ड डाटा है, पूरी टेबल है, एक इसमें डाटा फिल्ड है पूरा। अब इसमें शीट नीचे वन है और शीट टू है। तो मैं आज आपको वी लुकअप सिखाऊंगा, दो तरीके से वी लुकअप सिखाऊंगा। एक तो नॉर्मल जो शीट टू शीट लगता है, और जो एक वर्कबुक से दूसरी स्प्रेडशीट में, मतलब एक स्प्रेडशीट से दूसरे स्प्रेडशीट में लगता है। नॉर्मली एक्सेल की जो फाइल्स होती है माइक्रोसॉफ्ट की, उसको वर्कबुक बोलते हैं। और यहाँ पे जो गूगल की एक्सेल की फाइल्स होती हैं, इनको स्प्रेडशीट बोलते हैं, जो क्लाउड फाइल्स होती हैं। तो यहाँ पे शीट वन है, और जो शीट का नेम है जहाँ से हमें डाटा को फैच करना है, शीट वन, उसके बाद जो टेबल का है A1 से लेके
चुका है। तो यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है वो इम्पोर्ट रेंज फंक्शन है। इम्पोर्ट रेंज फंक्शन की वजह से VLOOKUP के साथ इम्पोर्ट रेंज फंक्शन लगाना है, और इम्पोर्ट रेंज से हम एक स्प्रेडशीट से दूसरे स्प्रेडशीट में डाटा को ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लुकअप लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आया पसंद तो उसे लाइक कीजिए, कोई सवाल या सुझाव है तो उसके लिए कमेंट कीजिए। इसी टाइप की वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल टेक शिक्षक को कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।